ऑन माय यूट्यूब चैनल चांद एलिट स्टडी पॉइंट। आई एम योर सीएम सर एंड यू आर माय लवली लवली स्टूडेंट। टुडे वी टॉक अबाउट हार्मोन्स इन प्लांट्स दैट इज कॉल्ड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन या हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। डू यू सी ए प्लांट स्माली प्लांट एंड केम आउट फ्रॉम द सोइल स्लोली एंड इट स्लोली एंड हैज ग्रोन कंटिन्यू डे बाई डे। वी सी एंड नॉट ओनली वन पार्ट ऑफ द प्लांट, एवरी पार्ट ऑफ प्लांट हैज स्लोली ग्रोन। ओके, इन द प्लांट्स आर प्रेजेंटेड हार्मोन्स, दे डू हैव केमिकल सबस्टेंस आर कॉल्ड हार्मोन्स, दे आर एक्टेड इन एवरी प्लांट ऑफ बॉडी। केमिकल सबस्टेंस प्रेजेंटेड इन प्लांट्स दैट इज कॉल्ड हार्मोन्स फाइटो, वॉट इज द नेम ऑफ फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोविंग ऑफ द ट्री। वॉट इज द मीन ऑफ फाइटो हार्मोन्स? फाइटो, रिमेंबर दिस पॉइंट इन योर माइंड, फाइटो इक्वल वॉट इक्वल? फाइटो मीन्स प्लांट, फाइटो मीन्स हेयर रिलेटेड एंड हार्मोन्स। हार्मोन आर केमिकल सबस्टेंस, दे हेल्प टू ग्रो द ट्री, दैट इज क्लियर। वी कैन से ए ग्रुप ऑफ हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्री टू ग्रो। सो बाय द हेल्प ऑफ फाइटो हार्मोन्स मेजर एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन प्लांट लाइक एज ए ग्रोथ। Growth is the main process of tree and cell division also association and fruit ripening। It means हम पेड़ पौधे आप लोग देखते हैं और पेड़ क्या होता है, प्लांट जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बड़ा हो चुका होता है। आज हमने देखा इतना छोटा सा और कल देखा वो इतना बड़ा सा। इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए कुछ हार्मोन्स होते, एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होता है, तो वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स का नाम है फाइटो हार्मोन्स कहते हैं जिसको। फाइटो मीन्स होता है प्लांट, हम कह सकते हैं भी फॉर अमर रिमेम्बरिंग, हम अपनी याद के लिए। एंड हार्मोन्स ए केमिकल सबस्टेंस विच हेल्प टू ग्रो अवर प्लांट्स। ओके, दैट इज क्लियर पॉइंट। And under this, what hormones, chemical hormones, phyto hormones, under phyto hormones, many process going on. What, first of them is growth is the main, and cell division and association मतलब पत्तों का झड़ना, नए पत्ते आना, इस तरीके से क्या होता है। एंड फ्रूट राइपनिंग, फलों का पकना, लीफ फॉलिंग, इन सब के लिए ये कौन जिम्मेदार होता है? इस सब प्रोसेस के लिए जो होते हैं फाइटो हार्मोन्स होते हैं। ओके, फाइटो हार्मोन्स आर टू टाइप, फाइटो हार्मोन्स आर टू टाइप, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। एंड थ्री पार्ट्स ऑफ थ्री हार्मोन्स अंडर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। अब प्रमोटर्स कौन है, ग्रोथ प्रमोटर्स कौन कौन से? AGC, हमने आपके रिमेम्बरिंग के लिए क्या रखा है, AGC, ए फॉर एक्जिन्स ऑक्जिन्स, जी फॉर जिब्रिलिन या गिब्रिलिन जो भी आप कहते हो गिब्रिलिन, एंड सी फॉर साइटोकेनिन। और कुछ होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, दे आल्सो आर टू टाइप, एसेसिक एसिड एंड एथिलीन। ऑक्जिन्स, इट इज लोकेटेड ऑन द टिप ऑफ प्लांट और लोकेटेड ऑफ द मेरिस्टेम्स ऑफ ऑप्टिकल बड्स यंग लीव्स ईट्स। अब हम कह सकते हैं ये ऑक्जिन्स हार्मोन्स होते कहाँ? ये मतलब कोई प्लांट है तो उसके ऊपर होते हैं। और एक चीज़ और है, ये लाइट सेंसिटिव होता है, ये लाइट सेंसिटिव होता है जिसको हम कहते हैं कि ये लाइट से थोड़ा शर्माता है, एक तरीके से हम क्या कहें, ये लाइट से शर्माता है। कौन? ऑक्सीजन। अगर मान लो ये इस तरफ से
डायरेक्शन में सन की लाइट पड़ रही है, क्या पड़ रही है, सन की लाइट, तो ऑक्सीजन हमारा बैक में आ जाएगा, इधर साइड में बैक में आ जाएगा। ओके, आप इसको मान लो ये प्लांट है हमारा, दैट इज ए प्लांट, और सनलाइट ये यहाँ से आ रही है, तो ऑक्सीजन कहाँ होंगे, बैक साइड में होंगे, इसके बैक इन अपोजिट डायरेक्शन में, इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट सनलाइट के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होता है ये कैसा है, ये मतलब सेंसिटिव है, इसका मतलब ये लाइट से शर्माता है, जैसे जब सनलाइट जब पड़ती है ये क्या करता है, पीछे को भाग जाता है। अगर हम कह रहे हैं ये सनलाइट अगर इस तरीके, ये सन हमारा निकला हुआ और ये इस तरीके से, तो ये ऑक्सीजन कहाँ होंगे, इधर के होंगे, तो ये सेल एलॉन्गमेंट होगी, ये सेल एलॉन्गमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, ऑक्सीजन, तो इधर होंगे। अगर मान लो ये सन जो है इस तरीके से निकला हुआ हमारा इधर है, तीसरा हम फिगर दिखा रहे हैं, तो थोड़ा अगर दूर तो हमारा थोड़ा ये बैंड हो जाता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो होते हैं इधर आ जाते हैं, तो सेल यहाँ पर थोड़े एलॉन्गमेंट होते हैं। ओके, अब इफेक्ट क्या होते हैं ऑक्सीजन के, हम लिखेंगे इफेक्ट, इफेक्ट होते हैं इससे स्टेम एलॉन्गेशन, नंबर वन पॉइंट स्टेम, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ बाय द ऑक्सीजन, स्टेम एलॉन्गेशन, रूट ग्रोथ, डिफरेंशन एंड फ्रूट डेवलपमेंट, एवरीथिंग related to growth, all these carried out by the hormones, we can say by the group of hormones are called auxins. Okay, I think that your auxin concept has clear. We talk about the gibberellin. What is gibberellin? I am telling you, gibberellin, it is also growth hormones. Gibberellin's location located at apical meristem young leaves embryos eats. Do you know embryos young leaves? ये कहाँ होता है, ये वाला हार्मोन gibberellin located at apical meristem young leaves and embryos eats. And if what is the effect of it? Stem elongation, leaf expression, increase in fruit size, fruit का size increase and improve shape of fruits. One of them, cytokinin, is also a group of hormones. Cytokinin, where is situated, are located at root, fruit and embryo of the plants. And effect, what is the effect, where the need of fast cell division, jahan par ped ko bahut zyada fast cell division ki zarurat hoti hai, to wahan par cytokinin apna kaam karna shuru karta hai. वी कैन से स्टिमुलेट सेल डिवीजन, हम क्या कह सकते हैं, फास्ट सेल डिवीजन, डिले एजिनिंग इन प्लांट, इसका मतलब होता है सेंसेस, इट मीन्स सेंसेस, सेंसेस, ओके। और ये आप देख रहे हैं साइटोकिनिन, ये क्या, और ये थर्ड इसका इफेक्ट क्या है, प्रमोट सीड जर्मिनेशन, ये प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन में। ओके, अब ये ग्रोथ एनवीट इनहेबिटर है, अब इसमें क्या होता है, प्लांट्स में शेडिंग ऑफ लीफ, बिल्डिंग ऑफ लीफ, यू कैन सी हियर एसेसिक एसिड, इट इज ए निगेटिव हार्मोन, एसेसिक एसिड क्या होता है, ये एक निगेटिव हार्मोन है, ये भी हार्मोन पर निगेटिव है, इट रिट्रेट्स ग्रोथ ऑफ प्लांट, रिट्रेट्स करता है ये ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की जो ग्रोथ, प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको रिट्रेट्स करता है, इट प्रमोट्स द सेंसेस और इट कॉजेज द premature following of fruits and vegetables. Now creating in question in your mind, where is located, इसकी location कहाँ है, ये इसकी location क्या है, और इस ये plants में कहाँ पर होता है, हम बताते हैं आपको, we can say this acetic acid located in roots, stem, leaf and green fruit, हम कह सकते हैं ये located कहाँ होता है, जड़ों में होता है, स्टेम तने में होता है, लीफ पत्तियों में होता है, ग्रीन फ्रूट्स और हरे कच्चे फलों में होता है, कौन, एसेसिक एसिड, व्हाट आर इफेक्ट ऑफ एसेसिक एसिड, आई एम टेलिंग यू, इट
इफेक्ट इट हेल्प्स टू मेंटेन बर्ड डॉर्मेंसी। ये बर्ड होती है जिसको बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट्स में होती है, तो उसको डॉर्मेंसी को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। एंड क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग लेस ऑफ वाटर एब्सेशन, दीज आर इफेक्ट ऑफ एसेसिक एसिड। अब ये क्या है, एथिलीन लोकेटेड एट स्टेम नोट्स रिपेनिंग फ्रूट्स डेरिंग लीव्स। अब जो डीलिंग जो लीव्स होती है उसमें ये एथिलीन होता है, और कहाँ लोकेटेड होता है, एट स्टेम नोट्स में रिपेनिंग होता है, फ्रूट्स में एंड ए डीलिंग लीव्स। और द ओनली गैसेस फाइटो हारमोन्स है, ये क्या है, द ओनली गैसेस हारमोन्स है, ये एथिलीन क्या है, ओनली गैसेस हारमोन्स। इसके इफेक्ट क्या है, इनहेबिट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रूट लीव्स एंड फ्लावर्स एंड और क्या करता है, ये प्रमोट्स करता है फ्रूट रिपेनिंग। दीज आर आल्सो हारमोन्स ऑफ प्लांट्स, वी कैन से ग्रोथ इनहेबिटर गिवन द नेम ऑफ देम। यू आर वॉचिंग हेयर जिबरेलिन, दीज आर हारमोन्स, फाइव हारमोन्स, हम इसके बारे में आपको पहले बता चुके। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जर्मिनेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ग्रोथ टू मेच्योरली ये ग्रोथ हो गई, पूरा पेड़ बनकर तैयार है, इसे मेच्योर बोलते हैं। ये क्या है, यहाँ पर हो रहा है फ्लावरिंग हो रही है, और ये क्या हो रहा है, एब्सेशन, जहाँ पर पत्तों का झड़ना, और ये क्या है, सीड डेवलपमेंट, जहाँ पर सीड का बनना होता है, और ये क्या होता है, दो टू बनानास यहाँ पर है, राइप हैं बिल्कुल पके हुए दो बनाना, तो हम इसको कहेंगे फ्रूट डेवलपमेंट। ओके, अब जिबरेलिन किस में काम करता है, जर्मिनेशन में आता है, और ग्रोथ टू मैच्योरली में एंड फ्लावरिंग में, और एब्सेशन नहीं होता है जिबरेलिन, एंड सीड डेवलपमेंट में भी नहीं होता, एंड फ्रूट डेवलपमेंट। ओके, ऑक्सिन की बात करते हैं, ऑक्सिन क्या होता है, ये इसमें जर्मिनेशन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, ग्रोथ टू मैच्योरली एंड फ्लावरिंग, और क्या होता है, फ्रूट डेवलपमेंट। साइटोकिनिन इन ग्रोथ टू मैच्योरली एंड फ्लावरिंग इन, एंड दिस यू कैन सी दिस डायग्राम, एथिलीन सेम इन टू थ्री ऑर्गन्स एंड थ्री पॉजिटिव थ्री नेगेटिव, एंड एब्सेसिक एसिड क्रॉस इन फ्लावरिंग एंड ग्रोथ एंड जर्मिनेशन, और जिसमें जहाँ पर पत्तों का झरना होता है, यहाँ पर पेड़ बिल्कुल सूख जाते हैं, पत्ते सारे के सारे सभी झड़ जाते हैं, तो उस पतझड़ को क्या कहते हैं, एब्सेशन होता है। एब्सेशन किस, ये एब्सेसिक एसिड ही है, तो ये इसमें हेल्प करता है, ये हार्मोन एब्सेशन में करता है, और सीड का डेवलपमेंट जो होता है उसमें ये वर्क करता है, कौन, ये एब्सेसिक एसिड, दैट इज़ क्लियर।